अभिषेक करे। चैत्यमखिलं चैत्यालयं चालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मी कुर्वन्ति नो मंगलं नाभेयादि जिनाधिपाति भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसादस्य पुषा कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्ति नो मंगलं देव्यो शौचालयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्सप्तदशाधिपाशिशुराधिकन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्चैत्यमी श्रीगणाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्ति नो मंगलं ये सर्वौषधिरिद्यासुतपशो वृद्धिं गता पञ्चये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विधाश्चारणाः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्ति नो मंगलं कैलासे बृहस्पतिस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्ति नो मंगलं ज्योतिरभ्यन्तर्भावनामरगृहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलिचैत्यसाक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु विश्वाकार गिरोकुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मधुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्ति नो मंगलं यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानवाक् यः कैवल्यपुरप्रवेशमहिमा संभाविताः स्वर्गभिः कल्याणानिततानि पन्थसततम् कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्ति नो मंगलं इत्थं त्रिदिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणां उत्साहः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्माधिकामान्विता लक्ष्मीदासेते विपाहि रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुट जीर्ण जिन चैतालो धारक दीनानाम यात्रा प्रतिषादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोदवादन मदोत्कर मन समावर्णा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं माता दावतराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिकानां श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है, सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है। तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामी नमोरते स्वाहा। पदक चंदन तेंदुलि पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलारके तवल मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रही इन्नात महम येजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समद वाले है पीयू जल स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अब से करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके तत्रत हूं। ओम रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम् करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फलार्घ्य तवल मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नातुम हम यजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस
तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर दिख चुका है। हे नाथ, आप अभिषेक के करो रुचि दे मेरे वचन से कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। चंदन तंदुलि पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलारिगे तबल मंगल गानी रवाकुली जिनग्रहे चिन्नात महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। गजाभिषेकी अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तिकारी संताप दूर कर सेकांत देता गीसे जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलारिगे तबल मंगल गानी रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांतदांक किरणोत्तम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ, क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव तुम्हारे प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलारिगे तबल मंगल गानी रवाकुली जिनग्रहे जिन्नात महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई का चीरो दधि पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अब से करके तो लोग मंगल में निश के पाऊं। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अब से कम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुलि पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलारिगे तबल मंगल गानी रवाकुली जिनग्रहे जिन्नात महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंधव और सिमलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोर्ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुधूप फलारिगे तबल मंगल गानी रवाकुली जिनग्रहे जिन्नात महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तस्ला निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से चलो के नाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुर चतुष्टयों को। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोर्ते स्वाहा। मंगल आरती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं, जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं, मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प केस चरु सुदीप सुदूप फलार्गिके तबल मंगल गानी रवाकुले जिनग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदना दीनाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं वरं वं वं हं सं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पूर्णकलशेन सुगंधित जलेन अभिषेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप फलारिगे तबल मंगल गानी रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। जिन्होंने आज एक दिन की शांति धारा के लिए नाम लिखाया है वे भी झारी ले लें, और सभी मंडल वाले इंद्रगण झारी ले लें अपने अपने मंडल पर। चलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः।
ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परक्र क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षामणावर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीं रूं रौं रः अरम सिया उषा नमः मम चा गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ सपरिवार से श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन श्री अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन राजपुर रोड जिनराज जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन शादरा जमुनापार श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से श्री प्रवीण जैन मीना जैन चावड़ी बाजार दिल्ली की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ माता जी के आशीर्वाद के साथ श्री कैलाश चंद जैन आतिश जैन स्मृति जैन सर्राफ अमृत जैन शिखा जैन आगम जैन श्रीमती अंजू विकास जैन लखनऊ सुरेश चंद जैन सौ शकुंतला जैन श्री जितेंद्र सपना जैन लोहाड़िया संयम साक्षी अनव खंडवा उषा हेमंत जैन सोनी झालरा पाटन श्री जय कुमार पाटिल रविंद्र पाटिल बोलवाल सांगली बैजापुर महिला मंडल महाराष्ट्र श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से श्रीमती शोभा पाटनी मालेगांव श्रीमती हेमा सेठी औरंगाबाद श्रीमती लता कासलीवाल राजनांदगांव श्रीमती चंदा चूड़ीवाल औरंगाबाद प्रभा काला मुंबई श्री पंकज जैन शाह पुणे सो सुनीता प्रमोद कासलीवाल औरंगाबाद श्री सुरेश जैन बड़जात्या पाचोड़ श्री सुभाष चंद नैना बड़जाते जालना सो शोभा अजमेरा कोपरगांव सौ शीला झूमर लाल राव का अल्केश शैलेश राव का देशमुख नगर औरंगाबाद महाराज श्री विजय मीरा पाटोदी हैदराबाद रमेश विद्यार्थी श्रीमती शीला विद्यार्थी जबलपुर सपरिवार से कला पांडे सूरमाला छाबड़ा अनिला ठोले अरुणा पाटनी कला पांडे अनिला ठोले सलरा पाटनी निर्मला अजमेरा सौ सूरमाला छाबड़ा वनमाला सोनी शोभा पाड़े ललिता काला नंदा सेठी शकुंतला जांजरी पद्मा जांजरी सुरेखा पाटनी अलका चांदीवाल प्रिया चांदीवाल शोभा लोवाड़े नंदा गंगवाल सुरेखा पहाड़े सीमा पहाड़े सुनीता पांडे रेखा काला आशा पाटनी अरुणा गंगवाल त्रिशला बड़जाते सुनीता भुसे सुरेखा लोवाड़े उषा ढोले कांता लोवाड़े पद्मा कासलीवाल औरंगाबाद ग्रुप सपरिवार से श्री सुनील कुमार पन्नालाल गोदा धर्माबाद नांदेड़ सो शीला प्रवीण कुमार कासलीवाल अंबड़ जालना डॉक्टर गुलाब चंद सोचमा कासलीवाल ओझर श्री सुरेश कासलीवाल चंद्रकला कासलीवाल ओझर श्रीमती शीला हुकुम चंद जी कासलीवाल पुणे ऋखभ चंद कासलीवाल सो शकुंतला ओझर श्री नंदलाल मंगला पाटनी तलेगांव श्री अनिल जैन पुलकित सेठी अशोक विहार दिल्ली श्री सुमन सेठी औरंगाबाद चिंता बोहरा खंडवा सा परिवार से कमल कुमार पाड़िया सी एम जैन कुलभूषण गोदा महावीर जैन अशोक जैन अंजना जैन जयपुर सुशील गंगवाल उषा पाड़े मंगल तेजपाल पाड़े लता पाड़े सुशील पाड़े मंगल पाड़े पुष्पा सुनीता कासलीवाल ज्योति कासलीवाल मालेगांव शोभना पाड़े चंदा जैन कल्पना काला नासिक रोड चंद्रकला बढ़ जाते सुरेखा बोरा कांसा लोहाड़े नंदा गंगवाल अरुणा पाटनी वनमाला सोनी सुशीला भोसे सुरेखा लोहाड़े औरंगाबाद डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूदीप सो श्री विकास सो पद्मा पाड़े श्रीरामपुर संयम जैन पुत्र संजय जैन जम्बूदीप हस्तिनापुर सो आरती चंद्रशेखर कासलीवाल श्रीमती अर्चना कासलीवाल मातेश्वरी भूषण कासलीवाल चांदवल नासिक महाराज सो त्रिशला संतोष कासलीवाल औरंगाबाद सपरिवार से गजपंथा सखी महिला मंडल सपरिवार से श्रीमती कमला धर्मपत्नी कालूलाल सोनिया हेमंत विभा यशवंत जयमाला हार्दिक कविता फलासिया उदयपुर
श्री सौ ज्योति सेठी श्रीमती शोभा सिराले शुक्रवार पेट कोल्हापुर श्री कृष्णराज अजिंक्य तिमगोंडा तृप्ति अजिंक्य तिमगोंडा कोल्हापुर महाराज सपरिवार से श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन जैन प्रदीन जैन प्रदीप जैन प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु धर्मपत्नी प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन संतोष जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सी ए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रुति जैन धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल जैन अतिशय जैन लखनऊ अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभी जैन सोन कक्ष देवास श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सितेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली रमेश धनावत श्रीमती उषा धनावत अंकित पूजा पुनीत सोनम धनावत अक्षय वाची अंगद धनावत परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु व्यापार वृद्धि हेतु कटक उड़ीसा डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन श्री प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली श्रीमती कमलेश जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन बंसल DLF गुड़गांव श्रीमती रेखा रानी SP जैन डॉक्टर नीरज जैन डॉक्टर दिव्या जैन मास्टर आरुष जैन सरिता बिहार दिल्ली श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल श्री प्रशांत निशा प्रियांशी सोनाक्षी पुनीत जैन रामनगर तुमसर भंडारा श्री माणिक चंद भवरी देवी विनोद कुमार साधना सौरभ प्रियंका जांजरी गुवाहाटी कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली सिद्धार्थ जैन बाराबंकी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सरिता उमेश जैन जावड़ी बाजार दिल्ली हल्का नवीन जैन बाड़गंज नई दिल्ली सपरिवार से सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिंदी सर्व मानम चिंचिंदी बिंदी सर्व मायाम चिंचिंदी बिंदी सर्व लोभम चिंचिंदी बिंदी सर्व मोहम चिंचिंदी बिंदी सर्व रागम चिंचिंदी बिंदी सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व गर्वयम चिंचिंदी बिंदी
सिंह भयम चिन चिंदी सर्व अग्नि भयम चिन चिंदी सर्व सर्प भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व युद्ध भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व विकादि बंधन भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्घटना भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व व्यान दुर्घटना भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व वास्पदानी विस्फोटक भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच वंदे डाक्ति साकिन्यादि भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व जनानि भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व व्यापारहानि भयम चिन चिंदी बिन भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व चौर भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व मनोव्याधिम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व आत्रोत ध्यानम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व हयसः चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व पापम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व अविद्याम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व प्रत्यवायम चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व कुमते चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व भयम चिन चिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम् चिन चिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम् चिन चिंदी सर्व पाप मृत्युम् चिन चिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर सात्म प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम आद्य नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यगंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश सात्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र बीसंबर 2549 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथो शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानाम दस लक्षण पर्व सोलह कारण पर्व पंचमी रूप पर्व विधिमानाम यम शांत धारा एवं भगवान पुष्प रत्नाथ मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमानाम यम शांत धारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्कात्रावचकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोति मंगलम तनु स्वाहा हे षोडश शीतंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वार्जिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दी घात प्रणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांतिग्राह सर्वोत्तम शांति गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पितमाया मत्स्य कथोपरी शांता चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सौ त्रिशला कासलीवाल सौ अरुणा गंगवाल औरंगाबाद निवासी से परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले से परिवार से सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसाट उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुदूप फल अर्घ के धवल मंगल गानी रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सुच निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हरसा दीप धूप फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जग चरण कमल पर पल वल जाओ मन बचका हो करुणा निधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजित नाथ अभिनंदन नाथ सुमद अनंत नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के टोक पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा वसुद्रव्य सवारी तुम डिंग धारी आनंद कारी द्रग प्यारी तुम हो भवतारी करुणा धारी याते थारी शरणारी श्री शांति जिने समनुत सक्रे सम प्रश्चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुण दे सम दयामृते सम मक्रे सम ओम ह्रीम हस्तापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतीनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के सीजनों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा नीर गंध अक्षता ने पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ्य तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भगवान की करो सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल पल बसु सज हिम थार तन मन मोदि धरो गुण गाओ भव दधि तार पूजत पापि हरो सिर वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धि कारक कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बनती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को, आए अर्घ चढ़ाने को। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती बीसवीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांति सागर परंपराचार आचार्य बी सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकान सागर एवं चातुर्मास कर रहे भारत में समर दिगम्बर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर का चुलक चुलिका समर दिगम्बर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिचिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाली सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञान मती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरे पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख ज्ञान मती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरणों में माता तेरे सी से झुका के कर भक्ति से नमन। बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। गढ़नी माता ज्ञान मती है नाम तेरा ज्ञाना मत वितरित करना है काम तेरा। 500 ग्रंथ कहते तेरे ज्ञान की कहानी। बंदामी करते हैं हम चरण में तेरे माँ चरण में तेरे। बंदाई माता जी आज भगवान पुष्पदंत नाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस है। इस शुभ अवसर पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। 3 निर्वाण लाडू चढ़ेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय। 3 निर्वाण लाडू की बोली करा दें प्रतिष्ठाचार्य जी जल्दी से। देखिए शीघ्रता से निर्वाण लाडू चढ़ाने का अवसर कौन सौभाग्यशाली महानुभाव प्राप्त करेंगे। एक बार में ही सीधे प्रसारण में अभी लड्डू चढ़ेगा, इसलिए एक बार में ही जो आप बोलना हो शीघ्रता से बोल लीजिए। निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार प्राप्त करेगा, कहीं से भी बोली प्रारंभ कर सकते हैं। हाजी साहब कहां से प्रारंभ करें। पुष्पदंत भगवान को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान बन गया। पुष्पदंत 5151 बोली आ गई है। 5151 शीघ्रता करें। 5151 रुपया 11111 रुपया शीघ्रता करें। जिनकी भी भावना हो जब ले पुष्पदंत नाथ भगवान की 11111 रुपया। अरे कल का भरोसा है न पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा ओ कर ले दान जरा सा 11111 रुपया बहुत ज्यादा सब देंगे सीधे प्रसारण में। निर्वाण लड्डू की बोली 11111 रुपया 11111 रुपया बोलिए भाई साहब शीघ्रता करें। 11111 रुपये 1, 2, 2.5, 3.5 और आखिरी तक पीछे सबके लिए समान अवसर है। 11111 रुपया 1, 2, 2.5, 3.5 अंतिम अवसर। जिनकी भावना हो जल्दी जल्दी जिनकी भी भावना हो बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। अष्टमी का पावन दिवस है आज के दिन और इस शाश्वत भूमि पे निर्वाण लाडू चढ़ा करके पुण्योपार्जन करना है। हाँ 11111 12212 रुपया। अरे पूछो 1,11,000 किसके किया जाए। 12212 15 किसके करने हैं। ले जाएंगे दिल वाले बोलिया ले जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। हाजी साहब 21,221 रुपया 1, 2, 25 किसके करने हैं शीघ्रता से। 21,221 रुपया 1, 2, 2.5, 3.5 और 21,221 रुपया 3। बहुत बढ़िया। ये सौभाग्य प्राप्त किएंगे श्री विकास जैन धर्मपत्नी श्रीमती अंजू जैन वैशाली गाजियाबाद वालों ने जोरदार तालियां बजा करके
कैलाश चंद जैन सर्राफ की सुपुत्री है, जोरदार सुपुत्री और दामाद है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। द्वितीय निर्माण लाडू की बोली, द्वितीय निर्माण लाडू की बोली। हाँ जी, 11,111 रुपया द्वितीय निर्माण लाडू की बोली। देखिए, शाश्वत भूमि पर आपको निर्माण लाडू चढ़ाने का 10 लक्षण पर्व में अष्टमी के दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 11,111 15 वाले कहाँ गए? हाँ जी, 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, 3 और अंतिम अवसर 11,111 रुपया 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया प्रतिष्ठाचार श्री दीपक उपाध्याय सांगली वालों ने। जोरदार तालियों से अभिवादन। किसके लिए लिया है? कहाँ गए दीपक जी, किसके लिए? अपने लिए? आपकी माता जी आई। हाँ। मंगला बालासो उपाध्याय मिरज सांगली, इनकी मातेश्वरी हैं दीपक जी की, दीपक उपाध्याय की मातेश्वरी हैं। तीसरा निर्माण लाडू शीघ्रता करें। अरे 11 तो पहले ही थे आपके। नहीं, नहीं, सुनो, 71,71 रुपए 11 वाले कहाँ गए? हाँ जी, राकेश जी कहाँ गए? शीघ्रता करें। 71,71 आपको अवसर दिया जा रहा है। 11,111 रुपया 3 नंबर लड्डू की बोली। अंतिम अवसर है, इसके बाद निर्माण लाडू की कोई भी बोली नहीं है। ये मत सोचना एक छोड़ दी तो अब दूसरी मिल जाएगी। 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, 3 और अंतिम अवसर। हाजी, धर्म में धन को लगाते चलो, बोली को आगे बढ़ाते चलो, बोली को आगे बढ़ाते चलो। हाजी साहब, 11,111 रुपया 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, 3 मन की बात मन में ना रह जाए, शीघ्रता करें। 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, 3 और पूरे 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है जितेंद्र सपना लोहाड़िया, सुरेश लोहाड़िया खंडवा वालों ने। जोरदार ताली बजा दें। द्वितीय मंडल के सौधर्म इंद्र हैं। चलिए अब आगे की प्रक्रिया। हाँ, लाडू चढ़ाना है, मंत्र चंदामती माता जी। चलिए अपने अपने लाडू ले लीजिए, जिन्होंने बोली ली है आ जाए, निर्माण लाडू हाथ में ले ले। ये किताब दे देना जरा। अठावयम्युसो चंपाई वासु पूज्य जिन राहो, उज्जन्ते ने मिजिनो पावाए निबुदो महावीरो, बीसम तु जिन वरिंदा अमरा सुर वंदिदा दुद किलेसा, सम्मे दे गिरिसियरे निवान गया नमो तेसिम। दूसरा निर्माण लाडू मंगला बालासो उपाध्याय, माधुरू उपाध्याय और दीपक उपाध्याय आ जाए और वो लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। इधर मंडल। भादो सुकिला आठ सायम सहस मुनीले, सकल कर्म को काट गिर समेद शिखर जी, पुष्पदंत भगवंत सिद्धि रमा के स्वामी, जजत मिले भव अंत मनु स्वात्म विश्रामी। ओम रीम सम्मे शिखर पर्वतात् भाद्रपद शुक्लाष्टम्याम श्री पुष्पदंतनाथ जिन मोक्ष कल्याण काय भगवान के सामने चढ़वाइए। मोक्ष कल्याण काय निर्वाण लाडू महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। वहाँ भगवान ही नहीं है, वहाँ क्या? सभी भगवान यहाँ विराजमान है, इसलिए हाँ। पहला लाडू अंजू विकास वैशाली चढ़ाइए और दूसरा लाडू पंडित दीपक जी उपाध्याय, प्रेमा क्या नाम इनका, मंगला उपाध्याय, माधुरी उपाध्याय सांगली मिरज से आए उनको, और तीसरा लाडू किसने लिया है, सपना जितेंद्र लोहाड़िया, सुरेश जी शकुंतला जी लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश से ही लड्डू चढ़ाइएगा।
ओम रीम ओम रीम ओम रीम ओम रीम भाद्रपद शुक्लाष्टम्याम समे शिखर पर्वताद मोक्ष पद प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण लाडू महार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में, खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में तेरे हो रही जय जय का देखो प्रभु नगरी में। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में। बोली पुष्पदंतनाथ भगवान की। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। अयोध्या की पावन धरा पर पूज्य माता जी के ओम रीम भाद्रपद कृष्ण अष्टम्याम सम्मी शिखर मोक्ष प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय अयोध्या नगर्याम निर्वाण लाडू अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। तीसरा लाडू भी हो गया स्वामी जी। दूसरा लाडू चढ़ाइए। तीसरा तीसरा लाडू आप तीसरा लाडू सपना खंडवा वालों का जितेंद्र लोहाड़िया और सुरेश शकुंतला लोहाड़िया खंडवा वाले चढ़ाएंगे। दीपक उपाध्याय का अभी नहीं हुआ। दीपक उपाध्याय मंगला उपाध्याय चढ़ाए। ओम रीम भाद्रपद शुक्ला अष्टम्यम समे शिखर पर्वताद मोक्ष पद प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण लाडू सहित महाअर्घ्यम निर्पामीति। अब तीसरा जय। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। तीसरा लाडू चढ़ाइए। ओम रीम भाद्रपद कृष्ण अष्टम्याम सम्मी शिखर पर्वतात मोक्ष पद प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय निर्वाण लाडू महार्घ्यम निर्पामीति। सपना जितेंद्र लोहड़िया चढ़ाइए। जय लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अब सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। अब से 10 मिनट की बात कर लीजिएगा। केवल 12-13 मिनट का समय शेष है। पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। पूजगणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। जो लोग अभिषेक कर रहे हैं अभी पुजारीगण भगवान की प्रतिमा वेदी में विराजमान रखें। बाद में सब लोग अभिषेक करेंगे। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है पूज माता जी का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेश्वरेभ्यो नमः। आप व्रतों की ओर चलेंगे। आज है बहुश्रुत भक्ति भावना। ओम ह्रीं अरहं बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहं बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। आज मेघमाला व्रत का अष्टमी का पर्व और आज के दिन अभी 1008 कच्छों का अभिषेक भी होगा। आप लोग करेंगे
और उसका मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं पंच परमेश्वरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं पंच परमेश्वरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा, ओम राम ह्रीं रूम रोम रास्यावसा नमः सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा, ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत साद्वादने गर्भित, ओम ह्रीं सृजन मुखोद्भूत साद्वादने गर्भित, द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः, द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। अब दस लक्षण पर्व की ओर आएंगे। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। आज पंचमेरु में चौथे मेरु का व्रत है। ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी सोरज जिनाले जिनबिंबेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री मंदिर मेरु संबंधी सोरज जिनाले जिनबिंबेभ्यो नमः। पुनश्च आज भगवान प्रसन्न नाथ का मोक्ष कल्याणक मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च आज अष्टमी है और अष्टमी का व्रत है। आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये निशल्य अष्टमी है ना? हाँ, निशल्य अष्टमी है। आज निशल्य अष्टमी का व्रत जो करते हैं, बहुत से लोग इसमें भी करने वाले हैं, और निशल लक्ष्मी व्रत का मंत्र, माता जी के माइक की आवाज ठीक करो, कालम खोलो सब। निशल लक्ष्मी व्रत का मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं, वृषभादि चतुर्विंशत् तीर्थंकरेभ्यो, वृषभादि चतुर्विंशत् तीर्थंकरेभ्यो, यक्ष यक्षी सहितेभ्यो नमः स्वाहा, यक्ष यक्षी सहितेभ्यो नमः स्वाहा। और अगर इतना छोटा ये मंत्र तो है ही है, जो कि हमें ग्रंथों में प्राप्त हुआ मराठी पुस्तक में, और छोटा मंत्र बोलेंगे तो ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ये आज का मंत्र हुआ। अब हम और आप आज जैसा कि आपको विदित हुआ है, मेघमाला व्रत में आठ बार भगवंतों के 1008 कलशों से अभिषेक होते हैं। दो बार दो प्रतिपदा, तीन प्रतिपदा और दो अष्टमी और दो चतुर्दशी। तो आज अष्टमी में अभी आप लोग अभिषेक करेंगे। पहले जो है यहाँ, अब हम जो है ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। मैं ब्याहता हूँ। पुष्पनाथ भगवान का जन्म काकंदी में हुआ है। काकंदी भगवान पुष्पनाथ की जन्मभूमि है। चार कल्याणक वहाँ हुए हैं, और पांचवा कल्याणक निर्वाण कल्याणक कहाँ हुआ है? समय शिखर। समय शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है पुष्पनाथ भगवान ने, और अभी आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया है। ये स्थान आपका, ये सभागार जो है, अभी कुछ क्षण के लिए समझ लीजिए कि ये समय शिखर पर्वत के समान महान पूज बन गया है, और यहाँ पुष्पनाथ भगवान विराजमान और उनके श्री चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ाया। चौबीसी भगवान में पुष्पनाथ भगवान यहाँ वेदी में विराजमान है। मध्यात्माओं, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। हो गया गौतम गणधर की वाणी। और आज धर्म है उत्तम शौच धर्म। देखिए शास्त्रों में दोनों प्रकार के वर्णन है। कल का स्पष्टीकरण किया गया है, कहीं उत्तम सत्य पहले है, उत्तम शौच बाद में है, और उसी के अनुसार पूजा के अनुसार और गौतम गणधर वाणी के अनुसार और कुंदकुंद स्वामी की वाणी के अनुसार हमने सत्य धर्म को पहले लिया, और कहीं कहीं उत्तम शौच धर्म कल माना गया है, और आज उत्तम सत्य धर्म का पालन करेंगे। दोनों परंपरा चल रही है और दोनों पाठ आगम में पाए गए हैं। कहीं पर ग्रंथों में सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथों में, कहीं ग्रंथों में उत्तम शौच को पहले लिया है, सत्य को बाद में लिया है।
तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, विशेष मतभेद नहीं। अब हम आपको ले चलेंगे थोड़ी देर के लिए। हमें और आपको चिंतन करना है चतुर्थकालीन वाणी गौतम स्वामी की वाणी, और उसी पर 10 अध्याय पर मैं संक्षेप में सार रूप में वर्णन कर रही हूँ, विस्तार से फिर कभी आपको सुनाया जाएगा। इसमें जो कुछ वाणी उपलब्ध है उसके अंदर देखा जाए तो बीज रूप में संक्षेप रूप में पूरे द्वादशांग का सार भरा हुआ है, पूरे द्वादशांग का सार भरा हुआ है, ऐसी महिमापूर्ण उनकी वाणी है। अब वो कहते हैं मैंने जो पांचवें अध्याय में विभक्त किया है निषीदिका दंडक, जो हमारे दैवसिक राति प्रतिगमन पाठ में आता है, नमो जिनानम नमो जिनानम नमो जिनानम, तीन बार नमस्कार, नमो निषीयाय नमो निषीयाय नमो निषीयाय, नमोथुदय नमोथुदय नमोथुदय, अरहंत सिद्ध बुद्ध निरय निम्मल आदि। ये पाठ है पूरा तो अभी नहीं पढ़ेंगे। नमो जिनानम तीन बार नमस्कार किया है जिनको, तो जिन से छठे गुणी स्थानवर्ती से लेकर के सभी जिन माने गए हैं, जिन जो कर्म शत्रु को जीतने वाले जिन, उनके उपासक जैन, और ऐसे जिन जो है छठे गुणी स्थान से महामुनि से लेकर के और कहीं 14 गुणी स्थान तक भी उनकी गणना ली गई है। और निशीयाय से अर्थ टीकाकार ने 17 किए हैं, और इसका महातीर्थ नाम से व्रत भी है, और आप लोगों ने व्रत पहले लिया भी है कभी और करना चाहिए महातीर्थ व्रत। निशी आए निषीदिका, निषीदिकाओं को नमन किया, तो निषीदिका में टीकाकार ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब आ गए। 17 प्रकार से अर्थ किए हैं, उसमें जो है सिद्धों को भी लिया है, सिद्ध स्थान निर्माण क्षेत्रों को भी लिया है, सिद्ध भगवंतों को भी लिया है, और अवधि ज्ञानी मुनापुर ज्ञानी को लिया है, रिद्धिधारी मुनियों को भी लिया है, और सभी प्रकार के तीर्थाधिकों को लिया है। ऐसे महातीर्थ व्रत भी इसका है, आप लोग प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ बहन जी से या आरिकाओं से प्राप्त कर सकते हैं, छपा हुआ है। एक निशियाय का टीकाकार ने 17 अर्थ किया, 17 प्रकार से नमन किया है, ये टीकाकारों की विशेषताएं हैं। एक एक अर्थ में गूढ़ अर्थ छिपा रहता है। एक काव्य है 24 तीर्थंकर के नमन करने का, एक काव्य है एक श्लोक, और उसके चतुर्विंशति संधान में 24 तीर्थंकरों के अलग अलग अर्थ किए हैं, सबके माता पिता आदि, सबके चिन्ह आदि, सबका जीवन परिचय आदि का अनंत, उससे पूरा सार आ जाता है। तो बात यही है ये आचार्यों की गरिमा और महिमा की अनंत अर्थ गभत्ता, एक एक शब्दों में, एक एक वाक्य में, एक एक सूत्र में अथवा एक एक काव्य में अनंत अर्थ जिसमें गर्भित हो जाए, ऐसी वाणी और गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी, ये विशेष महिमापूर्ण महत्वपूर्ण। ऐसे ही इसमें जो है बहुत सुंदर सा वर्णन आया है, यानी गौतम स्वामी ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तीनों लोकों में जो भी तीर्थ हैं और तीर्थंकर हैं और जो भी हैं सिद्ध भगवान और सिद्ध शिला, आठवीं पृथ्वी, ईश प्रभार तिलक ज्ञानम, इसी प्रभत ईशत प्रागभार पृथ्वी पर विराजमान सिद्धों को भी नमन करते हुए, और सिद्धाजानी नमस्तामी, और उड्ढमय त्रिलोए, ऊर्धलोक मध्यलोक अधोलोक में जितने भी सिद्धायतन जिन मंदिर है, अकृत्रिम जिन मंदिर, सबको नमन किया है, और मध्यलोक के 18वें पविदे समेत आदि अष्टावत पर्वत समेत शिखर आदि तीर्थों को नमन किया है, और जाओ आओ काओ भी निशी आओ, और जितनी भी निषेधिकाएँ और पंचकनाड़ा भूमि आदि हैं सबको नमन किया है, अरहंत सिद्ध बुद्ध आदि सबको। तो बात यही है गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी एक एक वाक्य अनंत अर्थ को लिए हुए है और बहुत महिमापूर्ण है। आप तत्वासुद में पढ़ा है कि एक बार तत्वासुद के पढ़ने से एक उपवास का पुण्य मिलता है,
और मैं कहती हूँ गौतम स्वामी की वाणी को पढ़ने से कम 1,00,000 उपवास का पुण्य प्राप्त करेगा, 1,00,000 उपवास का फल प्राप्त करेगा, ऐसी महिमापूर्ण वाणी है। एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, मंदिर के अंदर प्रवेश करके दर्शन करने से अनंत उपवास का फल मिलता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया है, जैन रामायण में वर्णन आया है। तो बात यही है, हम और आप निश्चित ही बहुत पुण्यशाली बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने विरासत में जैन कुल में जन्म लेकर के और जिनेंद्र भगवान के दर्शन को प्रतिदिन करने को सौभाग्य प्राप्त किया है, प्रतिदिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं समझती हूँ इसमें शायद ही कोई ऐसे होंगे जिन्होंने प्रतिदिन दर्शन करने का नियम न हो, प्राय सभी का होगा। बचपन में हमने पाया कि जब तक कि मंदिर जाकर ना आ जाओ, दर्शन करके ना आओ, चावल चढ़ा के मुट्ठी भर चावल चढ़ा के ना आ जाओ, तब तक कि नाश्ता की बात तो बहुत दूर, दूध आदि जल कुछ भी नहीं मिलता था, पानी भी पीने को नहीं मिलता था, एक समय था हम लोगों के बचपन का। तो बात यही है, आज तो परंपरा थोड़ी बदल गई है, फिर भी अभी हमारी संस्कृति जीवंत है और भारतीय संस्कृति जीवंत है, जैन संस्कृति जीवंत है। आप सबके नियम है, बताइए सब जो है आज अपने अपने गांव, शहर, नगर आदि को छोड़कर और यहाँ आकर तीर्थ पर पवित्र शाश्वत जन्मभूमि में और ये 30-24 विधान का अनुष्ठान कर रहे हैं, आप सोचिए आपका कितना बड़ा पुण्य है, कितने जन्म के पुण्य संचित करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है, कई जन्म में पुण्य संचित किया होगा जो अवसर पाया है। अध्यात्मा इसमें जो है श्री गौतम स्वामी ने त्रिविहम तिरण शुद्धो त्रिकरण शुद्धि पूर्वक और नमस्कार किया है सबको, यानी आप चिंतन करें कि अवधि ज्ञानी मनापरिय ज्ञानी चार ज्ञानदानी गणधर जो निश्चित है उसी भाव से गणधर मोक्ष जाते हैं, निश्चित है उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, और वो भी जो है तीनों लोकों के आकृति में जिन मंदिरों की वंदना करते हैं परोक्ष में, अधोलोक में तो जा नहीं सकते, ऊर्ध्वलोक में जा नहीं सकते, मध्यलोक के कोई भी हमेशा ध्यान में रखें, देव जाकर के दूसरे तीसरे नरक तक ही नारकियों को संबोधित कर सकते हैं। तो बात यही है कि भले ही मनुष्यों की सीमा है लेकिन मनुष्य पर्याय इतनी विशेष है, इतनी महिमापूर्ण है कि संयम इसी पर्याय में मिलेगा, अनुव्रत महाव्रत इसी मनुष्य पर्याय में मिलेंगे, त्रियंच पर्याय में अनुव्रत मिल सकते हैं। आज अनुव्रत की महिमा आप समझें, ये नियम है अनुबद महाबदायम न लहाय देवाउगम मोत्तुम, अनुव्रत महाव्रत धारण करने वाले निश्चित ही देव ही होंगे, नियम है, अखंड नियम है, अनुवृत्ति देव पर्याय के सिवाय किसी पर्याय में नहीं जा सकता, न मनुष्य हो सकता। एक बार किसी ने कहा आचार्य महाराज वीर सागर जी महाराज के सामने, मैं चाहता हूँ अगले भव में विदेह क्षेत्र में जन्म लूँ और शीघ्र ही उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लूँ। आचार्य महाराज मुस्कुराए और बोले, देखो विदेह क्षेत्र में जाने के लिए तुम्हें अणुव्रत छोड़ना होगा, तू अणुव्रती हो व्रती हो, दो प्रतिमाधारी थे वो, तुम्हारे लिए नियम है देव पर्याय ही प्राप्त करोगे और मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए तुम्हें कदाचित पहले से अगर आयु बंद गई है तो सम्यक हुआ तो जा सकते हो, नहीं तो देव पर्याय ही मिलेगी, सम्यक दृष्टि को और अनुवृत्ति को और महावृत्ति को देव पर्याय ही मिलेगी। अगर पहले कोई आयु बंद गई तो सम्यक दर्शन तो हो सकता है, अनुवृत्ति नहीं बन सकते। एक श्रावक थे, प्रतिदिन आचार्य वीर सागर जी महाराज उन्हें 10 दिन से लगातार प्रेरणा देते थे, तुम दो प्रतिमा के व्रत ले लो, अनुवृत्ति बन जाओ, और वो टाल देते थे हंस करके, अच्छा महाराज जी ठीक है महाराज। एक दिन आचार्य महाराज बोल पड़े, क्या तेरे कोई आयु बंध गई है, कोई नरक तिरंज आयु बंध गई क्या, क्या बात है, जोर से बोले वो एकदम
स्तब्ध रह गए। बोले आचार्य श्री क्या ऐसा है? बोले हाँ, अगर कोई और आयु बन गई तो अनुव्रत नहीं ले सकते, किसी हालत में नहीं ले सकते। राजा श्रेणी के नरक आयु बन गई थी, छाई सम्यक प्राप्त कर लिया। 30 वर्ष तक भगवान के समर्षण में जा जा करके खूब प्रश्न कर करके खूब पुण्य संचित किया है। आगे तीर्थंकर बनेंगे इसी भूमि पर तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन अनुवृत्ति नहीं बन सके, अनुव्रत नहीं ले सके। तो उसी समय दौड़े दौड़े गए, खानिया की बात है, और अपने कमरे के अंदर से नारियल लेकर आए। बोले आचार्य महाराज मुझे दो प्रतिमा के व्रत दे दीजिए। जयपुर के थे, उनका नाम था रामचंद्र जी सेठी, सेठी गोत्र खंडेलवाल थे और आचार्य श्री के परम भक्त। तो बात यही है कि गुरुओं की अनुकंपा जो होती है, मैं कहूँगी सबको अनुव्रति बनना ही चाहिए। आप जितने भी यहाँ बैठे सभागार में, अनुव्रत बहुत सहज है, सरल है। संकल्पी हिंसा का त्याग, कोई भी हिंसा नहीं करते आप, संकल्प पूर्वक जानबूझ करके एक चींटी को भी नहीं मारते जानबूझ कर। आरंभ में उद्योग में थोड़ी बहुत हिंसा होना वो चीज़ अलग है। श्रावक संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं, आरंभ और उद्योग हिंसा के त्यागी नहीं होते। और नहीं तो श्री राम जैसे महान युद्ध करते क्या? महायुद्ध में कितनी हिंसा हुई। तो हिंसा के 4 भेद हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं श्रावक। आरंभ करना पड़ता है घर में, चूल्हा जलाना, अग्नि जलाना, पानी भरना आदि, उद्योग व्यापार आदि करना होता है, लेकिन हिंसा के व्यापार नहीं करना चाहिए। और विरोधी हिंसा धर्म के लिए, धर्म आयतन के लिए, सतीत्व की रक्षा के लिए, सती सीता की सतीत्व आदि की रक्षा के लिए, ऐसी प्रसंग के लिए जो है महापुरुषों ने भी युद्ध किया है। युद्ध क्षेत्र में हजारों हजारों न जाने कितनी हिंसा हुई होगी। तो बात यही है वो हिंसक नहीं कहलाएंगे। तो ये अनुवृत्ति के लिए छूट है, अनुवृत्ति के लिए केवल संकल्पी हिंसा का त्याग है। जान बूझ कर किसी जीव को नहीं मारना, हिंसा नहीं करना। ये आजकल जो है चले है ना पाउडर वगैरह डाल डाल करके और जीव उससे मर जाते हैं, ऐसे कोई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। ये संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल रूप से झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, और अनुव्रत माने अपने पत्नी के सिवाय पुरुषों के लिए, अपनी पत्नी के साथ सभी अपनी माँ बहन के समान हैं, पुत्री के समान हैं। महिलाओं के लिए हमारे अपने पति के सिवाय सब भाई और पिता आदि के समान, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत। शील व्रत, शील व्रत की इतनी महिमा है कि अग्नि को जल बना दिया, शील व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। और परिग्रह का प्रमाण, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, पहले जो है 1000 पर प्रमाण करते थे, 10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, आज जो है करोड़ों पर प्रमाण करना पड़ता है, 1,00,000, 2,00,000 कोई मायने नहीं रखता, जो भी है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रमाण अवश्य होना। जब तक प्रमाण नहीं है तब तक कि तीनों लोकों की सारे संपत्ति के आप जो है परिग्रह के भागी हो जाते हैं, उसका पाप लगता है। परिग्रह का प्रमाण, मैंने ये देखा है बचपन में, अपने बचपन से लेकर आज तक पाया है, जिन्होंने भी अनुव्रत धारण किए हैं वो 1,00,000 गुना नहीं, करोड़ों गुना कमा कमा करके खूब धर्म और दान किया है। मेरे सामने अनेकों उदाहरण हैं। संपत्ति सेठ पूनमजन घातीलाल का तो उदाहरण प्रसिद्ध है, आचार्य श्री से अनुव्रत दिए थे, उसके फलस्वरूप उनकी धन संपत्ति बढ़ती गई, समय शिखर की यात्रा कराई, हमेशा संपत्ति के नाम से प्रतीक को प्राप्त हुई। ऐसे अनेकों हैं, हमने स्वयं अनुभव किया है। दिल्ली में हमारे अनिल कुमार जो आते हैं, इनका बालक अतिशय जैन है, जब ये अनिल कुमार जी कल आए हुए थे अभी परसों, ये जैन संपत्ति कहलाते हैं, हमारे संघ का व्यवस्था संभालते हैं जिम्मेवारी, उनकी बेटी, उनकी सुपुत्री आदि। वो 7.5 बरस का था और दिल्ली में मैंने प्रवचन किए थे, खड़े होकर के उसे अनुव्रत ले लिए,
तो उसके पिताजी भी दौड़े दौड़े आए अनिल जैन, बोले माता जी हम भी अनुव्रत देंगे। ऐसे ही दिन दुनी रात चौगनी करते हुए इन्होंने कमल मंदिर का दिल्ली में निर्माण किया है, बहुत भव्य सुंदर। और आज हमेशा जो है कई वर्षों से, दसों वर्षों से हमारे संघ का पूरी जिम्मेवारी साथ संचालन करते हैं, संभालते हैं, और भी बहुत दान धर्म में आगे रहते हैं। तो बात यही है, सब काम में हमारे स्वामी जी के साथ रहते हैं। और भी हमने देखा है हमारे यहाँ अभी जो कैलाश चंद बैठे हुए हैं, इन्होंने कलकत्ते में 1963 में मैंने इन्हें अनुव्रत दिया था। आज मैं देखती हूँ बराबर ये और इनके परिवार में हमेशा वृद्धि करते करते आज अनेकों कार्य में आगे, स्वामी जी के हर कार्य में हाथ बटाते हैं, आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ मुख्य द्वार का शिलान्यास किया उनके पुत्र ने, आदित्य जैन ने, उन्होंने। और यहाँ हर एक काम में, दान में, सब काम में, तो बात यही हमने देखा है जो अनुवृत्ति होते हैं उनकी संपत्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती, कभी घटती नहीं है। ऐसे कितने ही है, कलकत्ते में अनेकों सज्जन थे हमारे जिन्होंने अनुव्रत दिया था, तो खूब संपत्ति में बढ़ते गए बढ़ते गए। कितने ही परिवारों का अनुभव आया है। तो बात यही है कि हमें तो कहूँगी कि आप इस सभागार में सभी को, जैसे कल जो है हमने 324 व्रत के बारे में कहा, तो कम से कम 125-150-200 लगभग महिलाओं ने, सबने, पुरुषों ने भी, तमाम लोगों ने 324 के व्रत दिए। ऐसे ही आप लोगों को आज पंचअनुव्रत सबको लेना ही होगा। पंचअनुव्रत बहुत सहज है, परिज्ञा का प्रमाण करके आप चंद्रावती जी को दिखा देना, हमारे स्वामी जी को, रविंद्र कीर्ति जी को दिखा देना परिज्ञा का प्रमाण। कुछ भी आप अपनी इच्छा के अनुसार लिख लो, एक मकान, दो मकान, पांच मकान, जितने भी आपको लिखना है, मकान, दुकान, या करोड़ों के हिसाब से संपत्ति आदि कुछ भी, आज सोना आदि को भी लिख सकते हो, परिज्ञा का प्रमाण आप लिख लो। और आप अनुवृत्ति बनो, अनुवृत्ति बनो, स्वर्ग का टिकट ले लो। अनुवृत्ति स्वर्ग का टिकट ले लेता है, उसको स्वर्ग का टिकट निश्चित हो जाता है, निश्चित अनुव्रत के लिए। तो बात यही है कि ये श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, उक्त ठेन दो तीन भव गहनाने, उन्होंने कहा है श्रावक धर्म में सुदम्याउ संतो, कि श्रावक धर्म को पालन करने वाले, अनुवृत्ति और गुणव्रत आदि को पालन करने वाले नियम से अधिकतम 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव लेकर नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे, नियम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये गौतम स्वामी के वाक्य हैं। और अनुवृत्ति नियम से देव पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, मनुष्य पर्याय आदि को प्राप्त करके, और अंत में अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। तो भव्यात्माओं, अनुवृत्ति बनो और महावृत्ति बनने की भावना भाव कि हे भगवान हमारे जीवन में भी हम महावृत्ति बने, मुनि बने, संयम धारण करें। बाबा नो संयम धारण करा, भीव नका, भीव नका, भीव नका। आचार्य महाराज के सब, शांताचार्य महाराज के सब, भव्यात्माओं डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो। तो बात यही है कि ये तो जो है मैंने आपको छोटी सी बात बताई अनुव्रत की और गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और थोड़ा सा उत्तम शौच धर्म क्या है। प्रकर्ष प्राप्त लोभात निवृत्ति शौचम, लोभ की निवृत्ति का होना ही शौच धर्म है। उत्तम शौच लोभ परिवार आदि, संक्षेप में आप इसका विस्तार से, मैं तो कहूँगी हर विद्वान को रात्रि में उत्तम शौच धर्म का कम से कम 10 मिनट प्रवचन रोज होना ही चाहिए। 10 मिनट कम से कम 10 मिनट प्रवचन रोज रात्रि में होना चाहिए। आप इसके व्यवस्था कोई भी संभालेंगे, स्वामी जी जीवन प्रकाश जी रात्रि में 10 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट धर्म पर प्रवचन अवश्य होना चाहिए। परिवेषण पर्व चल रहा है, उत्तम शौच धर्म यही है मुख्य रूप से। और आचार्यों ने कहा है
सुचिर धर्म पर राजा, सुचिर नारी पतिव्रता। धर्म में तत्पर राजा पवित्र है, और राजाओं के यहाँ जो है आचार्य ने बताया था सूतक पातक नहीं लगता है। ये क्षत्रिय राजाओं की बात है पुरानी। और ऐसे ही जो है ब्रह्मचारी हमेशा सुचि है, पवित्र है, पावन है आदि। और यही कारण है कि आप मुनि आर्काय कभी स्नान नहीं करते, कदाचित किसी स्पर्श का स्पर्श हो जाए तो बात अलग है, करके प्राश्चित लेते हैं, नहीं तो स्नान नहीं करते। फिर भी उनके आप चरण रज प्राप्त करके मस्तक पर चढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य से पवित्र हैं, ब्रह्मचारी सदा सुचि। और भगवान ऋषभ देव के भवों के बारे में संक्षेप में बता दूं आपको, एक शब्द में, दो शब्दों में। राजा बंदर ने दान के प्रभाव से भवभूमि प्राप्त की, वहाँ समय दर्शन प्राप्त किया मुनियों के प्रभाव से, जो जगदीशारी मुनि ने जाकर समय दर्शन ग्रहण कराया, और वहाँ से अपनी आयु पूर्ण करके और वो देव पर्याय को प्राप्त हुए, दोनों ही स्त्री पर्याय से छूट कर श्रीमती भी, और स्वर्ग में देव हुए। और इनके जो स्वयंबुद्ध मंत्री थे उन्होंने विजय क्षेत्र में जन्म लेकर के और दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके गंधकुटी में पहुँचते हैं समोसरण रत्नी जैसा बनिया ही गंधकुटी और केवल के, और केवल ज्ञानी के से प्रश्न करते हैं कि भगवान हमारे पूर्व भव के जो एक मंत्री आपने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवान बन गए, और जो तीन मंत्री थे उसमें एक तो नरक में है, मैंने ढूंढ लिया, मेरे अवधि ज्ञान से जान लिया वो नरक में है, दूसरे नरक में, उसे मैं जाकर संबोधित करूँगा। लेकिन दो मंत्री कहाँ गए? चार मंत्री थे, एक तो आप हैं, एक नरक गए, दो कहाँ गए? मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया। बोले दो मंत्री मिथ्यात के निमित्त से निगोद में चले गए, जहाँ कि एक श्वास में आठ दस बार जन्मे हो मरे हो मरे हो दुखवा, निगोद में चले गए आदि। ऐसे इतिहास पुराण उसका स्वाध्याय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि जिससे हम अपनी आत्मा के सम्यक से विभूषित करें, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न बात को समझें, यही हमारा सम्यक दर्शन। और भगवान की वाणी पर विश्वास करें, ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो कहा उनकी वाणी पर विश्वास करते हुए इस मनुष्य पर्याय को समय दर्शन से शुद्ध बनाए, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपका ये अनुष्ठान विधान निर्विघ्न सानंद संपन्न होकर के, और ये जितना आप चाहेंगे उससे अनंत गुणा होके फलेगा, इस बात का विश्वास रख करके आप इस अनुष्ठान को पूर्ण करेंगे, यही मेरी प्रेरणा। और अब गुरु वंदना होगी, ऐसे आप सब लोग बैठे रहें, क्योंकि इसके बाद 1008 कलशों से अभिषेक भी होना है। तो हाथ जोड़ लीजिएगा, हत पौर्वाणी गुरु भक्ति वंदना क्रियाम सिद्ध भक्ति का सरगम करोम्य हम।